शिवाय के अंदर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमरजीत रांडा, एक बार सभी को दिखाना चाहेंगे। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान मिल रहा है अमरजीत रांडा को इस समय। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव सिवा गांव में हमारी टीम पहुंची है। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार भीड़ को दिखाए जो जननायक जनता पार्टी के लिए जो उमड़ी है अमरजीत डांडा जो प्रत्याशी हैं। यहां पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ है, लड्डू बांटे गए हैं। मतलब पूछ लेते हैं ताऊजी, राम राम। राम राम जी। किस तरह की सपोर्ट रहेगी अब की बार अमरजीत डांडा को? नोटम तोड़ लाएंगे। हाँ जी ताऊजी, ठीक है जी। लड्डू हम तोड़ लाएंगे पीछा भी। ताऊजी राम राम जी। राम राम जी। वोट ठिकाए गए होंगे बनके लजावाजी। गांव का पूरा समर्थन अमरजीत डांडा जी आपको मिला है, इनकी जो आशाएं हैं विधानसभा क्षेत्र जुलाना के विकास को लेकर के, यदि आपको ये वोटों से यदि तोलते हैं, आपको यदि जिताते हैं विधानसभा में भेजने का अधिकारी करते हैं, क्या आप इनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100% अपनी आशाओं बुजुर्गों से, युवा साथियों, मेरे दादियों, जो मेरे आशीर्वाद दे के भेजा लाडू तोलिया है जी। और जो मेरे गांव ने पगड़ी पर आई सिवा गांव ने, मीना तह दिल से धन्यवाद करो। जो मेरे आदेश देंगे मैं उन पर 100% उतरूंगा। क्या घोषणा पत्र है अमरजीत डांडा जी आपका जननायक जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा क्षेत्र जुलाना को लेकर के? किस तरह की तैयारियां विधानसभा में जाएंगे, किस प्रकार की आपकी आशाएं, किस प्रकार से उनको पूरा कर पाएंगे आप? घोषणा पत्र दुष्यंत चौटाला जी ने जी वहाँ रोहतक रैली में बता दिया था जी। जी फिर भी मैं तो एक दो घोषणा पत्र बताना चाहूंगा आपको। तो वैसे मैंने पूरा पढ़ तो लिया है, फिर टाइम कम है, दो चार गांव ज्यादा हैं। सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों का दुष्यंत चौटाला जी कर पहले कलम से हम 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे। जो जमींदार है सरकारी बैंक के लोन है पहली कलम से उसको ही फारी करेंगे। जो विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, सबका ट्यूबवेल कनेक्शन है, सब फ्री कर देंगे। और अपने जोर को सब सारे पूरे करेंगे। दूसरे चौटाला मैंने विश्वास है, बेहतर बेहतर गांव ने विश्वास है, बेहतर बेहतर पूरा हल्का पूरे 90 विधानसभा में पूरा विश्वास है। दूसरे चौटाला दूसरा चौधरी देवलाल रूप आ रहा है, चौधरी देवलाल का रूप आ रहा है, वो जो कहेंगे वो पूरा निभा के दिखाएंगे। जुलाना में आपकी मेहनत को देख करके काफ़ी गांव में भी आपको समर्थन मिल रहा है, जहां जा रहे हैं 36 बिरादरी आपके साथ लग रही है। इस समर्थन को देख करके आप अपनी स्थिति, अब लगभग 7-8 दिन ही रह गए इलेक्शन को लेकर के, कहां मानते हैं आपकी स्थिति आज के टाइम पर? हमारी स्थिति आज के दिन जो विधानसभा जुलाना की है जो फर्स्ट पर है, वैसे तो बेहतर बेहतर गाँव घूम चुके हैं। कोई हमारी हर गाँव से जीत हो गया है कि जो दूसरी पार्टी है हमारा इलेक्शन, जैसे पार्टी जो दुष्यंत चौटाला ने जो जननायक जनता पार्टी है पहले नंबर पर रहेगी, जो दूसरी ये तो जो बता रहे हैं बीजेपी वाले कांग्रेस वाले, ये तो जमना पार चले जाएंगे। दौरे कितने दिनों तक और चलेंगे आपके गांव को? गांव गांव कर रहे हैं आप, लोगों से मिल रहे हैं भरपूर, आपको प्यार लोगों का मिल रहा है, वोट भी मिलेंगे आपको, कितने दिनों के रहेगी आपके दौरे गाँव के? आज शाम तक सर हर गाँव में जा चुके हैं हम, दोबारा अपने घर घर जाके आशीर्वाद ले, अपनी माताओं बहनों को ताऊ चाचा आशीर्वाद लेंगे, दोबारा फिर डोर टू डोर करेंगे। क्या संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र जो जुलाना की जो जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? जुलाना की जो क्षेत्र की जो विधानसभा बड़ा क्षेत्र है, बेहतर गांव है, एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी को अपने बेटे में आपके पोते में विश्वास करके एक बार विधानसभा भेज दो, आपका पोता विधानसभा में जाएगा, दूसरे चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, हर बेहतर गाँव में बारे नारे हो जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं किसी। बिल्कुल। वेदपाल सरपंच भी हमारे साथ, सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, जो भीड़ उमड़ी है, जो जन समर्थन मिला हर गाँव, आप भी जा रहे हैं साथ में भाई साहब के, पूरा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का तो मैं हनुमान की तरह खेल रहूंगा, कोई दिक्कत को भाई साहब, हनुमान की तरह आपको राम मान रहे हैं और हनुमान की तरह साथ निभा रहे हैं। बड़ा भाई है, इसमें पूरा भरोसा, मेरा बड़ा भाई है, 24 घंटे मेरे साथ में रहता है, और जिस दिन से टिकट आई मेरा भाई घर भी नहीं आया है, वैसे घर तो खरेक राम जी शिवाय में अंतर ही नहीं हमारे गाँव में, मेरा बड़ा भाई मेरे बिल्कुल जमा सपोर्ट में खड़े है, पूरा बेहतर है बेहतर गाँव हमारे सपोर्ट में खड़े है। भाई को जिता करके मानेंगे आपकी बात? जीत गया भाई, तो भाई साहब देखो लोगों का जन समर्थन कितना है। एक बार कैमरा मैन को कहूंगा एक बार चारों तरफ फिर दिखाए जो भीड़ जो उमड़ी है जो सिवा गांव के जी जी ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार जी अपने बेटे को हनुमान की उपाधि देकर जब गालांगे। देखे जी बड़े बुजुर्गों का सर पार्टी तो बड़े बुजुर्गों का ताऊ जी हमारे हमेशा दाते जो हमारे आशीर्वाद सर पे बनाए रहता है। हाँ जी। ये तो इलेक्शन बाद वैसे भी ना सिर हम आशीर्वाद मान सम्मान करते रहते हैं, अपने बुजुर्गों का भाइयों का हम बिल्कुल मान सम्मान करते हैं। बिल्कुल। चलिए तो ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए अमरजीत डांडा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के जो
बुजुर्ग व्यक्ति हमसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार किस तरह का। राम कुमार डीएसपी भी हमारे साथ काफी मेहनती। जी राम कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? भाई जो हमें भारी समर्थन मिल रहा है, हम 110% हम जीत रहे हैं बिल्कुल, और भाइयों से सकते कमी होगी हाथ जोड़ांगे और ज्यादा ज्यादा मतलब भाई ने जीता। कहाँ पोजीशन मानते हैं आप आज के टाइम पर अपनी पोजीशन अपनी पार्टी का? पोजीशन हम एक नंबर पर मान रहे हैं, और हमारे से नीचे है उनके दूसरे भाई, दो भाइयों की तो दूसरी तीसरी लड़ाई चल रही है। हाँ जी हाँ, तो आप एक नंबर पर। जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं, क्या कारण रहेगा जीत का? जीत का एक तो इस साइड में नए गांव में टिकट मिली है, ठीक है, तो ये भाई ने कई दिन में कौन मिले थे सारे खड़े हो गए, ठीक है। परली साइड में प्रताप और लाठर पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम पूरी मतलब सारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बढ़िया, चाचल साहब हैं, प्रताप जी हैं, सारे सब बहुत बड़ा भारी सहयोग मिले। जी भी हमारे साथ, प्रताप जी से बात कर लेते। प्रताप जी क्या जीत का क्या कारण मानेंगे, सबसे बड़ा जी जीतते हैं तो यहाँ से? आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्य कारण है जननायक ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को, जननायक ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को लागू करना हमारा एक मुख्य जीत का कारण है। 68 गांव का दौरा हम कर चुके, एक तरफा माहौल है और पूरा युवाओं का बुजुर्गों का जोश को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि अमरजीत रंडा अकेले में है और सारी विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, कैसे खुशी रातों रात इलेक्शन उठा डीएसपी साहब आपकी नजरों के सामने, आपकी मेहनत के कारण पूरी टीम की जो कारगरी है, कैसी खुशी महसूस कर रही है? भाई मैं बहुत खुशी हो रही हूँ, हमारा इलेक्शन इतना एकदम इतना अप गया है, ये तो भगवान की दया, पीछे तो घबरा रहे जब टिकट मिली, लेकिन धीरे 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 अब हम पूरे चरम पर हैं, तो भाई अमरजीत ठंडा तो हम सब समझे विधायक बन ही गए। बिल्कुल, एक दो साथी और भाई साहब, युवा साथी हो क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? गांव कौन सा आपका? सिंधवीखेड़ा। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? भाई साहब 36 जाति का समर्थन मिल रहा है भाई अमरजीत ने जी, हाँ 36 जाति का समर्थन मिल रहा है, युवा है और हमारी भी यही सोच है भाई, भाई युवा का बहुत बहुत समर्थन करा। तब कि एमएलए बनाओ अमरजीत ने? अमरजीत ने क्या दिखाई से खास? अमरजीत में खास कैसा? बहुत बढ़िया छोरा है। अच्छा, अब बड़ा ईमानदार है। हाँ। और बहुत बढ़िया कमल छोरा है। अच्छा जी। हाँ, और हमारे 12 गांव है, 12 के एक तरफा हो रहे हैं सारे। एक तरफा किसकी तरफ हो रहे हैं? अमरजीत का नहीं। अरे वाह, तो कितनी उम्र होगी आपकी? कितनी उम्र है? मेरी होगी 72 साल। 72 साल में भी देखिए भाई कितना जोश है युवाओं की तरह, ताऊ के अंदर कह रहे हैं कि 12 गांव तो एक तरफ है अमरजीत की तरफ है समर्थन, अलग अलग गांव में भी अमरजीत को मिल रहा है। भाई साहब क्या शुभ नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम पवन कुमार है, मैं गांव से क्या कहना चाहेंगे पवन जी चुनाव को लेकर के? बहुत ही बढ़िया मोल है, दूसरी चोटा लगा बिल्कुल, भाई अमरजीत ढांडा का पूरा समर्थन करेगा गाँव सुहाया जी, 36 की 36 बिरादरी पूरा सहयोग करेंगी, और भाई साहब ने बहुत ही ज्यादा भारी बहुमत से जिताएंगे, भेजेगा गाँव सुहाया, ये हम आश्वासन देते हैं भाई साहब अमरजीत ठंडा को, तय दिल से उनका स्वागत करते हैं गांव में, बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतेंगे पक्का। हाँ ये शोर है भाई साहब, 100% ही अमरजीत ठंडा। देखिए अमरजीत के प्रति कितना प्यार उमड़ रहा है। भाई साहब क्या नाम आपका? सुनील। आपकी वोट अब की बार कहाँ जाएगी? अमरजीत ठंडा। अमरजीत ठंडा भाई साहब आपकी वोट अब की बार कहाँ जाएगी? अमरजीत ठंडा। क्या दिखाई दे रहा है अमरजीत में, क्या अच्छा लगता है? हमारा पड़ोसी है, बढ़िया है, इस वजह से भाई साहब राम राम। राम राम जी। कैसा फोन है? बिजी हो रहा है? फोटो सेल्फी ले भाई साहब का, फोटो उतारा ले एमएलए साहब का। मर्जी है किसकी गेरा, फिर भी मर्जी कहा आपकी? नहीं वैसे मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता ना किसी गिरूंगा। क्या बात है भाई साहब, पार्टी अच्छी लगती है आपको? पार्टी कोई बात नहीं है, आप नहीं बता रहे तो हमारे पास नहीं, नहीं बात ये नहीं है, हम भी जा रहे हैं फिर तो आप बता तो रहे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछोगे उसी तरह के तरीके से जवाब देंगे। आपके वोट कहाँ जाएगी अब की बार? मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी अच्छी है। कौन सी पार्टी अच्छी है, नाम तो बता ही नहीं रहे आप। मैं एक महत्वपूर्ण आदमी हूँ, मैं अपनी वोट डिक्लेयर कर दूंगा तो दूसरे कैंडिडेट क्या ना बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं अपनी वोट कॉन्फिडेंस। पार्टी कौन सी सही है? ठीक है ना, पार्टी सारी बढ़िया है, कैंडिडेट जो बढ़िया है उसने वोट दो। आप भी महत्वपूर्ण हो? नहीं ठीक है ना, सारे महत्वपूर्ण है। आपके जुलाने का विकास कौन करवा सके भाई? जो पार्टी देश के लिए बढ़िया है वही जुलाने के लिए। कौन सी बढ़िया देश के लिए तो बता दी कौन मेरा कौन भाई भाई का महत्वपूर्ण आदमी? भाई मैं तो अपन बात करेगा, ये बात को नहीं करता। हाँ भाई जी, भाई बात नहीं। हाँ जी,
पार्टी सारी बढ़िया है। महत्वपूर्ण प्रत्याशी कौन है आपकी तरह जुगा आपके महत्वपूर्ण मतदाता? तीनों हैं। तीनों कौन कौन है? तीनों आगे टक्कर है, तीनों पार्टियां प्रत्याशी तो कई हैं, तीन कुकर है। तीनों पार्टी के हैं, बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस। तीनों बढ़िया है। इनेलो के कैंडिडेट का पता ही नहीं है अभी तक। अमित मलिक निडानी। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी लड़का कोशिश। चलो भाई पक्का गुड खा रहे छोटे बच्चे को अंदर ही पूरा जोश। भाई साहब आपकी वोट कहाँ जाएगी? जेजेपी। जेजेपी की पूरा जोश। बस बस बाईस हजार 800 जीतेगा। 22,000 तो देखिए अमरजीत टंडन से हमने बातचीत की है, घोषणा पत्र क्या रहेगा विधानसभा में जाने का, क्या किस तरह के वो विकास करवाएंगे जुलाना का, वो सभी जानकारी। एक दो भाई रहेगा, चैनल का नाम बताओ भाई साहब। ग्राउंड मीडिया भाई साहब, चैनल ग्राउंड मीडिया जी। अभी आपके चैनल को शुभकामनाएं। अरे वाह भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक्चुअली क्या है कि परंतु एक्चुअली के शब्द ना लगाओ, शुभकामनाएं दे दी, मीठा मुकराओ भाई का। मीडिया का बात यह है, आपका ग्राउंड नया मीडिया है, इसलिए कह रहा हूँ। अरे वाह भाई साहब, देख के। हाँ जी, और प्रश्न पूछो, अगले को बिचड़ाने की कोशिश मत करो। यार भाई आदमी तो ठीक दिखता है, हमने तो पता है बड़े बड़े चैनल में बात कर ली है। नहीं नहीं होना, इसलिए तुमने के कारण नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं, हो जाएगी हमारी, अच्छी बात है। छोड़ो, बोलो, सारे फाइट में हैं। ग्राउंड मीडिया सब्सक्राइब कर दिया भाई, करेंगे लास्ट टाइम पे पता लगेगा कौन से की जीत होगी। चैनल ने सब्सक्राइब कर दिए, चैनल ने सब्सक्राइब करने तो ये चैनल है नहीं जो सब्सक्राइब करने भाई नुए, ये तो हसी मजाक चलते रहेंगे, राजनीतिक जो समीकरण है वो भी बदलते रहेंगे, भाईचारा जरूरी है, हसी मजाक में ऐसे ही चलते रहो। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुड़ाना से मैं तो भारद्वाज। छोटे छोटे देखे तब तो नहीं रहा सिस्टम हो, जो कर जमा सारा काम इसे लड़ने के कई साथी में उम्र के प्रयारी हमारी माताओं ने बहनों ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम पूरे इस बात के लिए कहते हैं कि हमारा भाईचारा इतना मजबूत है कि सब पार्टियों को छोड़ के सब बातों को छोड़ के राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।